आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। हमास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप। आइए नजर डालते हैं क्राइम के इस खबर पर। मेरा नाम सुषमा यादव है। आप लोग यहाँ धरने पे क्यों बैठे थे? जान मार चुकी है हमारे भाई की, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं, थाने पे पैसा खाया जा रहा है। ये जो अभी आपसे बात कर रहे थे, ये कौन थे? ये थानेदार यहाँ के हैं, मनीष थे। हाँ, मजिस्ट्रेट से इस केस से क्या मामला है? अब बोल रहे हैं हम खुद हैं इसमें शामिल, हम खुद देख रहे हैं केस। ये तो क्या किए हैं अभी तक? वही हम उनसे पूछ रहे हैं क्या किया। कुछ नहीं किए, हमारे द्वार पे अभी तक आए भी नहीं है। हाँ, ये कल रात से मामला चल रहा है, इनको अभी पता चला जब आप लोग धरने पे बैठे? हाँ, अभी पता चला है इन्हें। तो बोल रहे हैं ये सब करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। 7 बजे 8 बजे कैसे हासिल होगा, कुछ बताएं? बोल रहे हैं थाने पे जाइए, अगर सुनवाई नहीं हो रहा हमें फोन कीजिए आप। थाने पे तो एप्लीकेशन कर दीजिए, पहले से पड़ा है। वही तो हम बताए कि फोन पे एप्लीकेशन वहाँ पे डाला गया है थाने पे, उनको भगा दिया गया था मेरे दौरान को। आज 4 महीने से वो बता रही है कि हमारे हस्बैंड को ये मारने के लिए धमकी दे रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हुई उनके ऊपर? उनकी बीवी थाने पर से कौन से इंस्पेक्टर कौन है पुलिस जाना था, कुछ नाम पता है? क्या बोले थे, क्या कब बताया? कहे थे कि सर जाए, कुछ नहीं होगा अब, वो नहीं कुछ करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है सर। वहाँ एक पर्चा बना था, एक अठे हम लाए थे, आज हम अपने बड़ के बाबू के देवर के दे आए, एक अठे थाने बाटे सर पर्ची, उन कारण कि हमारी जिम्मेदारी है, अगर कुछ तेरी आदमी को होगा तो। हम पर्चा वहाँ बनवा के आए थे सर। क्या अभी उन लोगों की गिरफ्तारी हुई कि नहीं अभी? नहीं सर, नहीं हुआ, खाली बोल रहे हैं एक लोग का हुआ है। लोग धरना कायम रखना चाहते हैं, लाश आ रही है, बॉडी वहाँ से आ चुकी है, फूलपुर तक पहुँची है। मतलब आप लोग कब तक धरना देंगे? हम धरने पे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन आके बीच में ये लोग हमारे नहीं बैठने दे रहे हैं। कैसा इंसाफ चाहते हैं आप लोग? इनके साथ इंसाफ चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, उनके बीवी के लिए चाहिए। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार से न्याय आपको मिले? उन्हें सजा चाहिए। किस प्रकार की सजा चाहते हैं? उन्हें जान के बदले जान दे, नहीं अगर कानून के बस की बात है तो पब्लिक के जनता का हाथ में दे दे, उन्हें हमारे हाथ में दे, सुरक्षा चाहिए दोनों बच्चे के लिए इनके। अगर वो नहीं कर पा रहे, कुछ सजा दे पा रहे, जनता के हाथ में दे दें। जिस तरीके से हमारे घर का सदस्य मारा गया है, उसी तरीके से हम समझेंगे, जो हमारे समझ में आएगा, जान के बदला जान चाहिए। अगर हम लोग को नहीं इंसाफ मिलेगा तो चचेरे भाई थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा यादव है। कहाँ की रहने वाली हैं? ये मैं मायके है मेरा। आपके दरवाजे नहीं, रात में ही मैंने दबिश सबके घर डलवा दिया था, आपको पता ही नहीं होगा, हर घर पे दबिश डली थी, जिसको जिस जो मिला माहौल साथ में थे, पूछ लीजिए। नहीं नहीं, रात भर रहे, मुकदमा जब लिखा जाता है जो उसमें अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी हमें लगते हैं। सर थोड़ा हट जाइए, आप लोग हमें बाधा करोगे तो बाकी हम कैसे काम करेंगे? हमें पता रहेगा तब तो हम बताएंगे। आपके पास हम जाएंगे मदद के लिए, आपका मदद करेंगे। और घर भी बोले थे कि मैं पिल्ला को और मेरे को मार डालेंगे। ठीक है, उसकी दरखास्त देना चाहिए था, आपको मुकदमा लिख गया होता। नहीं, आप अगर उस चीज को बताई होती तो उसका मुकदमा लिख गया होता, कार्रवाई हुई होती। ये लोग एक बार आप निश्चिंत रहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर गैंगस्टर तक लगाएंगे। अरे सर, सब सबकी बात है सर। नहीं पैदा हुए, हो रहा है खानदानी है थोड़ा सा, अभी दूसरा उनका पोता है, अभी दूसरा सा पचास की है। अरे भैया तुम लोग ना मैडम डाल लो सर, अगर नहीं देते तो कौन भाई जो खत्म हो सर, कौन नहीं पीता सर? हां कौन नहीं पीता भाई, जो पीने वाली बात है, दोस्त थे ना साथ में, कौन भाई दोस्त नहीं थे, दुश्मन थे सर। अगर दुश्मन थे तो एक साथ कैसे इतने दिन सर जबरदस्ती उठा के ले गए हैं ना भैया, घर से जबरदस्ती ले गए हैं ना, आप देखे हैं बता रहे हैं ना सर, सुभाष हैं जो हमारे भाई थे, हम डाल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी घिसते लेके गए, हम बैठे थे वहाँ।
हम नाली बनवा रहे थे उसके बाद वो लोग घिस के लेके गए क्या कार्रवाई पकड़ा जाएगा एक बार सुबह में 7 बजे लेके गए फिर 5 बजे वो घर पे आ गया फिर उसके बाद घर पे लेके घर से घिस के लेके गए मुकदमा लिखेगी जेल भेजेगी हां मुकदमा नाली के सामने